महकमा सहज सिंह ने मुल्क के मारूफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट माहिर अमराज जिगर और मैदा प्रोफेसर डॉक्टर करम बाजवा को सिंध में हेपेटाइटिस के अमराज का कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिया। इस हवाले से प्रोफेसर डॉक्टर करम बाजवा का कहना था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम डॉक्टर करम बाजवा, एसोसिएट प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज जामशेरो हैदराबाद, और मैं कंसल्टेंट हूँ हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का हैदराबाद डिवीजन, और मैं मशहूर हूँ हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम वालों का जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मरीजों की खिदमत के लिए मुझे नॉमिनेट किया। तो मैं सबसे पहले बताता जाऊँ कि हेपेटाइटिस जो इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर वो मुल्क है जहाँ पर सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस है। तकरीबन 1.5 करोड़ लोग हेपेटाइटिस से सफर कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान में, और उसमें हेपेटाइटिस बी, सी और डी। हेपेटाइटिस बी और सी में तकरीबन 1.5 करोड़ लोग, जिसमें से 1 करोड़ हेपेटाइटिस सी के लोग हैं जिनको हेपेटाइटिस सी क्रोनिक कैरियर है, और आप ये समझें कि हेपेटाइटिस डी भी इस वक्त तकरीबन 16% पॉपुलेशन के अंदर परसिस्ट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। और हमें इस वक्त ज़रूरत है कि हेपेटाइटिस WHO के मुताबिक 2030 तक हेपेटाइटिस को दुनिया भर से, इसमें पाकिस्तान भी है, और उसको रेडिकेट किया जाए 2030 तक। ये स्लोगन है WHO का। अब हम आते हैं कि हेपेटाइटिस को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। कि हेपेटाइटिस को ख़त्म करने के लिए सबसे अहम चीज़ है अवेयरनेस। अगर हम लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करें और उनको बताएं कि हेपेटाइटिस से कैसे बचा जा सकता है, और अगर किसी को हेपेटाइटिस हो गया तो वो कितना ख़तरनाक है लोगों के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अब तक हमारी पॉपुलेशन के अंदर लोगों को नहीं पता लग सका कि ये फैलता कैसे है। इसी वजह से ये केसेस पाकिस्तान के अंदर बढ़ रहे हैं और लोग जो है इस बीमारी से मर रहे हैं हेपेटाइटिस से। हेपेटाइटिस बी का भी इलाज है और हेपेटाइटिस सी का भी बेहतरीन इलाज है। 95, 96, 98% तक कामयाब इलाज है, और लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग इसके बावजूद भी अपना इलाज नहीं करवा रहे। पॉपुलेशन को चाहिए कि फौरन हेपेटाइटिस बी सी के टेस्ट करवाएं, और जिन लोगों को बी और सी आ जाता है उनका फौरन वो इलाज करवाएं, और अगर किसी को बी नहीं है तो उसकी हेपेटाइटिस बी की 3 डोज उसकी वैक्सीन लगवाएं। हेपेटाइटिस बी से अगर बच जाएंगे तो आप हेपेटाइटिस डी से भी बच जाएंगे, क्योंकि हेपेटाइटिस डी होता ही उन लोगों को है जिनका हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव होता है। क्यों? कि ये हेपेटाइटिस डी अपनी साइकिल पूरी करने के लिए हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन को एज ए प्रोटीन लेयर को इस्तेमाल करता है फॉर प्रोपेगेशन। तो हेपेटाइटिस डी इस वक्त दुनिया के अंदर 15 मिलियन लोगों को मौजूद है, और पाकिस्तान के अंदर ये आप ये समझेंगे 16% पॉपुलेशन के अंदर मौजूद है। और अगर मैं बात करूँ हेपेटाइटिस डी की, तो हेपेटाइटिस डी का इस वक्त जो इलाज है वो सिर्फ एक ही इलाज है कि इंजेक्शन लगाना पड़ता है हर हफ्ते में एक, और पूरे साल का कोर्स है, उसका भी रिजल्ट 25% है। तो बेहतर नहीं है कि आप कोशिश करें कि हेपेटाइटिस डी से बचें। हेपेटाइटिस डी से बचने के लिए हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। हेपेटाइटिस बी से बचेंगे तो हेपेटाइटिस डी से आप ऑटोमेटिकली, क्यों? हेपेटाइटिस डी हेपेटाइटिस बी के बगैर होता नहीं है, तो सुपर वायरल इन्फेक्शन है, और अगर आप बी नहीं होगा तो डी नहीं होगा। हमारा जो गैस्ट्रो डिपार्टमेंट है लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद और जामशेरो, और ये पहले से काफ़ी कोशिश जो है वो कर रहा है, इसके लिए हमने मुख्तलिफ कैंप्स भी लगाते हैं गैस्ट्रो डिपार्टमेंट की तरफ से, और अपनी सर्विसेज भी दे रहे हैं लोगों को कि हेपेटाइटिस जो है वो किस तरह फैलता है। कि ख़ास तौर पर हेपेटाइटिस जो है, ये जो बी सी और डी की मैं बात कर रहा हूँ, ये ब्लड से फैलते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलते हैं, या अगर कोई जो रीयूज़ जो करते हैं सिरिंजेस का इस्तेमाल है, या ख़ास तौर पे नॉन क्वालिफाइड जो कोएक्स हैं डॉक्टर्स उन, वो बहुत एक बहुत बड़ा ट्रांसमीटर्स हैं, और आप देखें बार्बर्स हैं, हजाम हैं, या डेंटल टेक्नीशियंस हैं जो कि क्लिनिक्स कर रहे हैं इंटीरियर के अंदर या सिटीज़ के अंदर, उनकी वजह से भी, या अनहाइजेनिक, या जो जहाँ पर अच्छी एक अनस्टलाइज कंडीशंस नहीं है हॉस्पिटल्स में, प्रोसीजर्स में ख़ास तौर पे, चाहे वो किसी किस्म का भी ऑपरेशन हो, तो उनके अंदर भी जो है वो अनहाइजेनिक इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो अनस्टलाइज इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो ये इस किस्म की चीज़ें हैं, और ख़ास तौर पर जो लोग IV ड्रग जो है एब्यूज़र्स हैं और इंजेक्ट करते हैं मेडिसिन नसों के अंदर अपनी जो है वो, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ये हेपेटाइटिस फैल रहा है। तो अब हमें उम्मीद है कि हमें हेपेटाइटिस से बचने के लिए अगर हम ये तदाबीर लेंगे तो हम WHO के मुताबिक 2030 तक इसको इरेडिकेट कर सकते हैं।